नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के मर्चरी हाउस से, जहां पर मीटिंग समाप्त हो चुकी है। 5 परिवार के सदस्य थे और किसान यूनियन से भी किसान नेता जगदीप सिंह अलग गए थे और अभी कह रहे हैं कि बात अभी फाइनल नहीं हुई है, परिवार के लोगों से बात करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि प्रशासन से मीटिंग हुई है, प्रशासन से बातचीत हुई और प्रशासन ने जो प्रपोजल दिया है वो रखेंगे अब परिवार वालों के आगे और उसके बाद परिवार को अगर वो नतीजा मंजूर होगा तभी कुछ आगे होगा, लेकिन क्या होगा वो देखने वाली बात जरूर होगी। हमारी अगली मेन मांग थी 25 लाख के मुआवजे की, वो उस पे डीसी साहब ने ये कहा भाई ये जो 25 लाख का मुआवजा है ये हरियाणा सरकार और डीसी और मुख्यमंत्री तो हमने कहा भी इसके ऊपर आप बात रखो जो 25 लाख का मुआवजा है। उन्होंने कहा भी मेरी जो करनाल के डीसी के पावर है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपया तो मैं जारी करता हूँ, मेरे को 15 दिन का टाइम चाहिए 25 लाख के मुआवजे को मुख्यमंत्री से पास कराने के लिए। ये 3 चीजें आपके सामने रख देते हैं। पहली तो FIR हमने कहा, उन्होंने FIR उन बंदों के खिलाफ 3 पुलिस वाले जो भी होंगे पर्चा दर्ज हो गया, जो नौकरी कही थी उन्होंने नौकरी की आप वो तो पक्की हाँ है, अभी 10 दिन के अंदर हम उनको डीसी रेट में नौकरी दे देंगे। और जो मुआवजा था 25 लाख का उसमें उन्होंने ये कहा है भाई जो 25 लाख का मुआवजा है वो हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के पास पावर है, उसके लिए मेरे को 15 दिन चाहिए, मेरी पावर 1 लाख रुपए की है, वो मैं अभी जारी कर देता हूँ और उसका केस बना के मुख्यमंत्री के पास भेजना होता है। आपका केस इसलिए मजबूत है क्योंकि आप पे ज्यादती पुलिस ने की है, सरकारी कर्मचारियों ने की है, वो मैं मुख्यमंत्री के सामने केस 15 दिन के अंदर या 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन इसलिए मांग रहा हूँ। तो ये वहां पर बातें हुई है 3 FIR, जो नौकरी है डीसी रेट की करनाल में उसकी, जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई या ग्रुप डी की सी की जितना भी वो पढ़ रहा होगा, और मुआवजे का 1 लाख रुपया आज जारी कर देगा, 25 लाख का केस मुख्यमंत्री के सामने 15 दिन अलग से ले लियो। आप सारे आए हुए हो इस परिवार के समर्थन के लिए, आपके आगे हम वहाँ पर कोई बात फाइनल करके नहीं आए, सिर्फ उनकी बात आप पता ले कहा उनका भी जो नमाता बताया आपके आगे रख दी। ये परिवार बैठा, परिवार भी अपना विचार रखेगा। देखो जिनका घर का नौजवान बच्चा गुजरा, हम सारे इनकी सपोर्ट मार रहे हैं, समर्थन मार रहे हैं, जब तक इन हमारी जरूरत हम इनके समर्थन में खड़े रहेंगे, चाहे कितना टाइम ही जरूरत पड़ो, ठीक है। बाकी इनका परिवार है जो जगदीश है जिसका ये 18 साल का बेटा इसमें रजिंदर है उसका चाचा, ये आप सारे मैं तो कहूँ उस परिवार में छोड़ो या हम सारे जो चीजें हुई मैंने क्लियर कर दी, इसमें जो कोई भी विचार रखना चाहता है विचार रख ले और उसके बाद वो परिवार जो परिवार है वो अपना सोच के, जो परिवार जो हमें कहेगा, जो परिवार जो जैसे कहेगा, हम उस तरह सारे उनके समर्थन के लिए आए हुए हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हुई है थारे का, मैंने तीनों चीज की बात रख दी भाई। ये 18 जो मांग रखी थी, मैं रात से यहाँ बैठा था, इन्होंने मांग रखी थी उसकी मम्मी की, पर वहाँ फैसला होया भी भाई का, उसकी उम्र कब ज्यादा है, अभी भाई उसकी उम्र ज्यादा है, मम्मी कब तक नौकरी, हाँ यही चक्कर है, पर दिमाग इसलिए भाई की करका है, नहीं भाई का ठीक है, भाई का ही ठीक है जी। और दूसरी बात एक हो रहा है, जे तो आप सारे इन परिवार ने 10 मिनट दे दो, जो उनके निजी रिश्तेदार है या परिवार है, जी जी ऐसे देख, अगर परिवार की संतुष्टि है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, यार सारों की यही बात है, परिवार के साथ है, हम सपोर्ट करने आ रहे हैं, जे परिवार कहेगा तो हम सहमत है, मैं 100 दिन भी बैठना पड़ रहा है, भाई साहब 1 मिनट कर लो सारे, एक इनको 10 मिनट दे दी जाए, ये अपने तरीके से अपनी बात। तो आप देख सकते हैं कि मीटिंग के बाद जो किसान नेता है जगदीप सिंह औलख और उनके साथ एक और किसान गए थे और उसके अलावा 5 जो सदस्य हैं परिवार से वो मीटिंग में गए थे, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। प्रशासन की तरफ से जो प्रपोजल किसानों को दिया गया, परिवार के सदस्यों तक पहुँचाने को दिया गया, वो उन्होंने पढ़कर सुनाया। FIR दर्ज हो चुकी है उन 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उसके अलावा जो धारा जोड़ी गई है वो धारा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, और आप देख सकते हैं जो 3 पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मामला दर्ज हो चुका है। जो सबसे मुख्य मांग ये थी, जो मोहित ने आत्महत्या की उसमें 3 पुलिस अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने उससे मारपीट की, गाली गलौज की और उसको ये कहा भी ये मोटरसाइकिल चोरी की है, तू चोर है, इन चीजों से दुखी होकर उसने आत्महत्या की थी।
जो कल भी संस्कार करवाने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा, चलो परिवार के साथ और लोगों ने सहयोग किया, जो वो तीनों पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के मुलाजम हैं, जिन्होंने उसके साथ मारपीट किया, आत्महत्या के लिए उकसाया, हमारी एक तो मांग थी उन पर कार्रवाई की जाए, पर्चा दर्ज किया जाए, वो हमारी मांग मान ली, उन पर 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का और 34 धारा में उन पर पर्चा दर्ज हो गया। नाम बताएं सर उनके, क्या क्या कौन कौन नाम, परिवार को भी नहीं पता थे, हमने तीन पुलिस वाले बोला था, जो मोहित बता के गया है वो तीन उस नाके पे कौन से पुलिस वाले थे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस मुलाजम थे, ये रिकॉर्ड में पता रहता है कौन कहां पर चेकिंग कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे भी हैं, वो पुलिस मुलाजम है, तीनों जने हैं, तीन बंदों के खिलाफ। सर बताया जा रहा था कि सीसीटीवी कल बंद पड़े थे जिस दिन ये हादसा हुआ, पर ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, कंफर्म हो जाएगा, पुलिस मुलाजम है जिस नाके में भी वो ड्यूटी कर रहे। उसके अलावा दो अन्य मांगे ये थी भाई, एक तो इसका बहुत बेहद गरीब परिवार है, इनको नौकरी दी जाए जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि कमाने वाला जवान इनका लड़का चला गया, तो उसमें हमने मांग रखी थी भी सरकारी डीसी रेट पे नौकरी, डीसी के पास पावर होती है, भी जिला प्रशासन इसको दे, वो मांग भी मान ली गई है। इसका जो बड़ा भाई है रोहित, जिसकी 20 साल उम्र है, उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो उसको नौकरी बनती होगी डी ग्रुप की या सी की, जो उसकी एजुकेशन होगी उसकी नौकरी 10 दिन के अंदर दे दी जाएगी। इसके अलावा एक हमारी मांग थी 25 लाख के मुआवजे की, उस मांग में ये सबसे बड़ी बात थी, डीसी ये बोला भी ये मांग मुख्यमंत्री के पास पावर है 25 लाख के मुआवजे की, तो उन्होंने कहा भी ये जो केस है इस केस को मैं मुख्यमंत्री के आगे रखूंगा, उसके लिए मेरे को 15 दिन का टाइम चाहिए, इस 25 लाख की मांग के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाए जिससे हम इस केस को मुख्यमंत्री से पास करके मुआवजा दिलवा सके। उन्होंने एक बात और कही, 1 लाख रुपए तक की पावर करनाल डीसी के पास है, 1 लाख रुपए मैं जारी करता हूँ, 25 लाख का केस बना के मैं मुख्यमंत्री के आगे साथ के साथ हम रख देंगे, उसके लिए 15 दिन का हमें समय दिया जाए। अब सर अब शव को उठाया जाए? नहीं, देखो हम वहाँ पर कोई भी फैसला करके नहीं आए हैं, जो उन्होंने बातें हमारे को बोली हैं, पर्चा दर्ज की बात थी, पर्चा दर्ज हो गया उन तीनों के खिलाफ, नौकरी की बात थी वो मांग ली, अब आगे बात मुआवजे की। अब ये हम यहाँ पर परिवार में आए हैं, समाज में आए हैं, भाईचारे में आगे बैठे हैं, इनके आगे बात रख दी, अब सारों ने मिलजुल के जो उनका परिवार है उस परिवार को बोला भी आप बताओ, आप सलाह कर लो भाई क्या करना है, अंतिम निर्णय परिवार का होगा, हम उनके समर्थन में आए हुए हैं, अब परिवार अकेला बैठ के अपनी सलाह कर रहा है, जैसे ये परिवार बोलेगा भाई हम इस पे सहमत हैं तो हम लोग भी सहमत होंगे और संस्कार होगा, ये परिवार ये बोलेगा भाई हम सहमत नहीं है, हमने अपना धरना रखना है और आंदोलन करना है, हम इनके साथ हैं सारे लोग। पहले माँ की नौकरी की बात चली, माँ की उम्र 40 साल से ऊपर है, तो हमने फिर इसका भाई है रोहित जिसकी 20 साल उम्र है, फिर वहाँ पर बात हुई भी इसके नौजवान भाई को नौकरी दी जाए, तो इस करके उसके भाई की नौकरी की बात फाइनल हुई है और पर्चा दर्ज हो गया और मुआवजे के लिए उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, 1 लाख मुआवजा जो डीसी की पावर थी उसने आज ही जारी कर दिया, और जारी करने के लिए बोला है अभी फाइनल कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनल होगा जो परिवार बोलेगा, परिवार को सारी पावर दे दी, तभी होगा जब परिवार वाले मानेंगे, क्योंकि परिवार वालों को फिलहाल समय दिया गया है कि अपने निजी रिश्तेदारों से परिवार के सदस्यों से बातचीत कीजिए, उसके बाद बताइए कि जो प्रशासन ने आपको प्रपोजल दिया है क्या आप उससे संतुष्ट हैं और आप उतने समय इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहली जो मांग थी वो FIR दर्ज करने को लेकर थी, तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, दूसरी जो 25 लाख के मुआवजे की बात थी, करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, उनका कहना है कि ये अथॉरिटी हरियाणा सरकार की है, खट्टर सरकार की है, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे इस बारे में बात करनी होगी, पूरा केस बताना होगा, उसके बाद ही वो फैसला लेंगे कि 25 लाख का मुआवजा कब तक दिया जाएगा, उसके लिए समय मांगा गया है। और तीसरी जो मांग थी वो डीसी रेट की नौकरी की थी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर दी जाए, जिसमें सबसे पहले जो मोहित की यानी कि मृतक मोहित की माँ के बारे में बात चल रही थी कि उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो अब मोहित का जो बड़ा भाई है रोहित उसको सरकारी नौकरी जो डीसी रेट पर है वो दे दी जाएगी और 10 दिनों के अंदर अंदर उसको ये नौकरी मिल जाएगी। आप और
फिलहाल ये फैसला अभी फाइनल नहीं है, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी फैसला परिवार वालों पर छोड़ दिया गया है कि परिवार वाले संतुष्ट होंगे तो वहाँ करेंगे, नहीं तो अगर वो किसान यूनियन वालों को भी ये कहेंगे कि हम असंतुष्ट हैं, हमें प्रोटेस्ट जारी रखना है, तो प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।